ये देखो अल्लाह की मदद देखो, अल्लाह की कुदरत देखो। सीटी हो चुकी है, पक चुका है खाना, और अल्लाह की मदद ये ऊपर लेंगे तो आग बढ़ जाती है, ये नीचे लेंगे, ये देखो ये अल्लाह की कुदरत बगैर गैस। ये देखो अभी खाना पक चुका है, इसीलिए बोलते हैं अल्लाह के रास्ते में निकल लो, मदद और नुसरत अल्लाह के रास्ते में आएंगी, घर बैठे नहीं आएंगी, इसीलिए अल्लाह के रास्ते में हर वक्त निकला करो। ये देखो आग जो बढ़ चुकी है, ये क्या बोलते हैं, इसी ही अल्लाह के रास्ते में बोलते निकलना है, 40 दिन 4 महीने निकल लो, अल्लाह की मदद खुद अपने आंखों से देख लो। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो में देखा कि कैसे जमात के हवाले से वीडियो वायरल हो रही है कि जमात में निकलो, अल्लाह की मदद जमात में होती है, नुसरत अल्लाह की होती है, अल्लाह के रास्ते में जो बंदे निकलते हैं, और गोया जमात में निकलने की तलकीन की जा रही है इस तरीके से कि देखो ये खुला हुआ मोजिज़ा है, ये खुली हुई करामत है कि बगैर गैस के चूल्हा जल रहा है और आग जल रही है। तो ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जी क्या ये वाकईतन ऐसा है, हकीकत में ऐसा मुमकिन है कि बगैर गैस के ही चूल्हा जलने लगे जैसा कि ये शख्स दिखा रहे हैं। कई लोगों ने तरह तरह के सवाल किए हैं। मुफ्ती ईसा जाहिद कासमी की वीडियो भी सिलसिले में देखी, उन्होंने बहुत मुख्तसर सिलसिले में जवाब दिया है, और फिर उसके ऊपर लोगों के तबसरे और कमेंट वो भी तकरीबन अक्सर ही पढ़ लिए हैं, लोगों के अलग अलग ख्याल आते इस सिलसिले में। तो बंदा नाचिज इस सिलसिले में ये अर्ज करता है कि देखिए इस सिलसिले में कई बातें मुमकिन हैं, कोई भी एक बात यकीनी तौर पे नहीं कही जा सकती, कई सारी बातें मुमकिन हैं, वो इंशाल्लाह मैं आगे अर्ज करूंगा। और जब कई सारी बातें मुमकिन हैं तो फिर इस तरह की वीडियो को नहीं फैलाना चाहिए, नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि सारी ही चीजों का इसमें इम्कान हो सकता है। नंबर एक बात तो ये है, जैसा कि बता रहे हैं कि भाई ये करामत है, तो ये करामत भी हो सकती है, क्योंकि करामत उलमा बुजुर्गों के साथ में है, और ये उलमा अहले सुन्नत वल जमात के अकायद में से है कि करामातुल औलिया हक़ुन, उलमा की औलिया अल्लाह की करामत क्या है, बरहक हैं, तो ये करामत भी हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि ये कोई करामत वरामत नहीं है, बल्कि ये जैसा कि मुफ्ती ईसा जाहिद कासमी ने कहा कि ये पाइप में जो गैस अटक जाती है, और उमूमन ऐसा होता है कि गैस सिलेंडर जो हम खरीदते हैं तो उसमें सबसे नीचे आखिर में थोड़ा सा ऑयल तेल बाकी रहता है, तो जब चूल्हा गैस खत्म होने के करीब होता है तो वो ऑयल भी पाइप में आ जाता है। तो असल में ये वही पाइप है, ये वही ऑयल है, और जैसे ये शख्स इसको ऊपर उठा रहे हैं तो तेज हो जा रहा है, नीचे रख दे रहे हैं तो वो कम हो जा रहा है। तो चूंकि ऊपर उठाने की सूरत में सारा का सारा ऑयल वो जहां बर्नर जो है जलने वाला वहां पहुंच जाता है, तो लौ तेज हो जाती है, और जब उसको नीचे रखते हैं तो वो सारे में फैल जाता है, तो लौ कम हो जाती है, तो ये भी मुमकिन है। एक शख्स का कमेंट पढ़ा, वो कह रहे थे कि जी इतनी देर तक गैस नहीं रहती, तो दूसरे साथी ने उसका जवाब दिया कि भाई ये रिपीटेड वीडियो हो सकती है, यानी एक ही वीडियो को बार बार दिखा करके लंबा कर दिया गया और फिर उसमें अलग तरीके से एडिटिंग के जरिए बोल दिया गया। आजकल की डिजिटल की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। आप लोग देखते हैं कि कैसे कैसे वीडियोस बनाई जा रही है, रिवर्स वीडियो जिसको कहते हैं, उसमें ऐसा तरीका दिखाया जाता है कि बंदे को यकीन ही नहीं होता कि यार ये उल्टा कैसे चल रहा है, ये उल्टा कैसे भाग रहा है, ये उल्टा कैसे दौड़ रहा है, ये नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है, जैसे पहले फिल्मों वगैरह में दिखाया करते थे कि बंदा नीचे से दूसरी मंजिल पर कूद के चला गया। तो असल में ये सारा कमाल रिवर्स वीडियो का है कि वीडियो ऊपर से नीचे कूदने की बनाई थी, मगर उसको रिवर्स किया तो ऐसा लगता है जैसे बंदा नीचे से ऊपर की तरफ उड़ रहा है, कूद रहा है। तो आज के डिजिटल की करामात की दुनिया में ये सारी बातें मुमकिन हैं, ऐसा हो सकता है। और तीसरी बात इस सिलसिले में ये है, जैसा कि मौलाना ताऊर रहमान साहब ने कहा है कि करामत जो है वो बंदे के इख्तियार में नहीं होती कि जब चाहे जैसे चाहे उसको कर दे, जैसे ये शख्स दिखा रहे हैं कि ऊपर की तरफ होता है तो ज्यादा होता है, नीचे रख देते हैं तो कम हो जाती है। तो अगर करामत होती तो फिर वो एक ही फ्लो में जलना चाहिए था, यानी ज्यादा है तो ज्यादा ही होना चाहिए था, कम है तो कम ही होना चाहिए था। ऐसे नहीं कि ऊपर उठाएं तो करामत ज्यादा बढ़ गई, तेज हो गया, नीचे किया तो करामत कम हो गई, कम हो गया, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि करामत अपनी एक हालत पर रहती है। करामत जो है वो अपनी एक हालत पर रहती है, उमूमन उसमें बंदे के अमल को इख्तियार नहीं होता
कि जब चाहे उड़ा दिया, जब चाहे बिठा दिया, ऐसा नहीं होता। तो कई सारे ये इस सिलसिले में मुमकिनात हो गए हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो इसलिए जब कई सारी बातें उसमें हो गई और कोई एक बात यकीनी नहीं है, शक के दायरे में हो गई है, तो फिर उस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वाकईतन ये फ्रॉड हुआ, झूठ हुआ, जैसा कि इससे पहले भी इस तरह कई सारे वाकयात हुए हैं कि करामत के नाम पर झूठी बातें एडिटिंग वगैरह के जरिए से फैला दी गई, तो फिर उससे जमात का नाम बदनाम होगा। तो जमात में जाने का यही कोई एक तरीका नहीं है कि लोगों को आप तलकीन करें, तरगीब करें, जमात में निकलने की तश्कील करें कि देखिए ये करामत हो रही है, मौजिज़ा हो रहा है, तो यही कोई उसका एक जरिया नहीं है। बल्कि लोगों के पास जाकर के उनको दूसरे फवायद समझ करके जमात में निकलने की तलकीन करनी चाहिए, ना कि इस तरह के करामतें दिखा करके उनको जमात में निकलने की तरगीब देनी चाहिए। किसी ने उस पर कमेंट किया है कि वाह अजीब पैगाम है कि चिल्ला चारमा लगाओ और बगैर गैस के चूल्हा जलाओ, तो ये अजीब पैगाम दिया जा रहा है। तो उनकी बात भी अपनी जगह सही है, इसलिए इस तरह की बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दा युरीबु का इला मा ला युरीबु, जिस बात में शक हो जाए तो उसे छोड़ दो और जो बात यकीनी है उसे पकड़ लो। तो जब इस सिलसिले में कोई यकीनी बात नहीं है कि है क्या, तो फिर इस तरह की चीज़ों को शेयर करने से बचना चाहिए। इससे ईमान मुतजलजल होता है और ईमान में कमी होती है, और जो कमज़ोर अकायद के होते हैं तो उनके अकायद के बिगाड़ का जरिया बन जाती है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को शेयर करने से बचना चाहिए, एतराज़ करना चाहिए। और जमात में लोगों को निकलने की तरगीब देने का या तलकीन करने का या तश्कील करने के जो और दूसरे तरीके हैं फवायद बता करके, उस तरीके से लोगों को जमात में निकलने की तलकीन करनी चाहिए। तो इस तरह की वीडियो को शेयर ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। फ़क़त वसलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।